माझं सोलापूर न्यूज चॅनल। सोलापूर मध्य रेल्वेचे व्यवस्थापक सूरज कुमार डोहारे यांच्या शुभहस्ते ध्वजारोहण करून रेल्वे मैदानावरती प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला आहे। 26 जानेवारी 2023 रोजी मध्य रेल्वेतील सोलापूर विभागात 74वा प्रजासत्ताक दिवसाच्या मुख्य समारोह डॉ बाबासाहेब आंबेडकर क्रीडा संकुलमध्ये रेल्वे सोलापूर प्रांगणामध्ये साजरा करण्यात आला। श्री नीरज कुमार डोहरे विभागीय रेल्वे प्रबंधक यांच्या शुभहस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं। कार्यक्रमात रेल्वे सुरक्षा बल, स्काउट अँड गाईड, सिव्हिल डिफेन्सच्या पथकाद्वारे प्रदर्शन करण्यात आलं। श्री नीरज कुमार डोहरे यांनी मध्य रेल्वे महाप्रबंधक प्रजासत्ताक दिनाच्या संदेशाचं वाचन केलं। मध्य रेल सांस्कृतिक अकादमीद्वारा देशभक्ती गीतांची यावेळी प्रदर्शन देखील करण्यात आलं। तसेच सोलापूर विभागातील विविध यशस्वी कामगिरीचा आणि पुरोगामी विकास कामांचा उल्लेख केला गेला। गुणवंत कर्मचारी, विशेष कामगिरी केलेल्या कर्मचाऱ्यांचा प्रमाणपत्र देऊन यावेळी सन्मान करण्यात आला। या कार्यक्रमात सोलापूर अप्पर मंडल रेल प्रबंधक श्री शैलेंद्रसिंह परिहार, मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री प्रशांत संसारे, मंडल कार्मिक अधिकारी श्री जी पी भगत, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एल के रणएवले, सर्व विभागाचे अधिकारी, महिला कल्याण संघटनेचे सदस्य, मान्यताप्राप्त युनियन असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते। 74वे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी रेल कर्मियों, उनके परिवार और सभी सम्मानित ग्राहकों को हार्दिक बधाई देता हूँ। 1853 में उस समय की ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने 33 किलोमीटर की छोटी सी शुरुआत से आज मध्य रेल 4189 रूट किलोमीटर के विशाल नेटवर्क में फैला हुआ है। यह मंडल के 466 स्टेशनों को आपस में जोड़ता है। उपनगरीय प्रणाली मुंबई की जीवन रेखा है। हम मध्य रेल पर 1850 उपनगरीय सेवाएं चला रहे हैं, जिसमें 56 ऐसी उपनगरीय सेवाएं शामिल हैं। इस उपनगरीय प्रणाली पर प्रतिदिन लगभग 40 लाख यात्री यात्रा करते हैं। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के विकास में मध्य रेलवे ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक रिकॉर्ड 187 किलोमीटर लाइनों पर दोहरीकरण और मल्टी ट्रैकिंग के साथ अपने बुनियादी ढांचों को मजबूत किया है। इसके साथ ही मनमाड़ जलगांव किस लाइन का जलगांव किसोली महेजी पवरा खंड दौन मनमाड़ दोहरी लाइन का काशी बिलवड़ी और पुणे मेरठ दोहरी लाइन का वालवा वाला नेरा एवं बिलवड़ी नांदेड़ खंड नामपुर इलासी नागपुर इलासी किसी लाइन का कोली नरखेड़ एवं गंगा काटोल खंड जलगांव भुसावल चौथी लाइन परियोजना का जलगांव भादी खंड शुरू किया गया है। बटेरा नागपुर और सेवाग्राम बल्लार शाह दोहरी लाइन को जोड़ने के लिए रथ से बितोड़ा के बीच 4.25 किलोमीटर लंबी कॉर्ड लाइन की भी शुरू की गई है। नागपुर रजनी स्टेशन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास परियोजना हेतु आधारशिला रखी गई है। मध्य रेल ने अपने अधिकार क्षेत्र में गोल्डन डायगनल और गोल्डन चतुर्भुज 3346 डिब्बे भी जोड़े गए हैं। नागपुर मंडल के इटारसी वल्लार खंड पर 78 ट्रेनों की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है। तेजस एक्सप्रेस में विस्ताडोम कोच जोड़ा गया है, इसके साथ ही कुछ 6 ट्रेनों में विस्ताडोम कोच जोड़े गए हैं, जिन्हें यात्रियों से अच्छा इंसान मिल रहा है। चालन के लिए ट्रैक सर्किट की विफलता के कारण ट्रेनों की समय पालन के सुधार के लिए मुंबई नागपुर पुणे और सोलापुर मंडलों पर 156 ट्रैक्स सेक्शनों में मौजूदा ट्रैक सर्किट के साथ डिजिटल एक्सल काउंटर रेल प्रोटेक्शन मोड में प्रदान। Thank you.
निमित्तच लोकप्रिय झालेलं सोलापुरातील एकमेव न्यूज चॅनल माझं सोलापूर न्यूज चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।